लौल। पहली लौल। आज हम कैमरे भी मिल रहे हैं, हम काफी मिले हैं। हाँ, I'm surprised किया, कभी भी नहीं मिले क्यों उसामा, क्यों में मिले, मिले <laughs> और बाकी मैं और उसमा काफी मिले हैं लेकिन I'm glad that आज हम on भी मिल रहे हैं की आपकी फिल्म आ रही है उसामा बिकॉज uh, ड्रामो में हम आपको देख रहे थे और इनक्रीजिंग की हमारी डिस्कशन भी होती रही है कि सामा यार लीड पे क्यों नहीं आ रहे हो क्या सीन है ब्रो क्या है क्या है बट आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह कि ना सिर्फ आप ड्रामो में लीड कर रहे हैं बट आप अपना फिल्म का डेब्यू करने जा रहे हैं वो भी विद नन अदर देन यमना बड़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट है एक हुँ. फिल्म का ट्रेलर जब आया तो उससे बड़ी एक पॉजिटिव हाइप एक फिल्म को मिली तो कैसा महसूस कर रहा हूँ सामा uh, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सबसे पहले तो ये सारे ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जावेद सर है एक्टर यमुना तो आपको पता ही है मुझे जब मूवी ऑफर हुई थी नायाब तो मैंने सोचा कि यार उनसे एक दफा डिस्कस तो करूँ कि क्या है क्या, क्या टॉपिक है तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट नन अदर देन नमना कि हाँ एक अच्छी पेयरिंग है और दूसरा ये टॉपिक बहुत अच्छा है एक एक लड़की की स्ट्रगल है और मुझे लगता है कि मैं हमेशा मेरी कोशिश रही है कि ऐसी चीजों को सपोर्ट किया जाए इन अ पॉजिटिव वे तो उसके जितने पिलर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं हमेशा एक ऐसी लड़की कहानी है जो कि हर लड़की ख्वाब देखती है और पूरे किसी किसी के होते हैं तो उसकी क्या स्ट्रगल है उसके साथ किस तरह से लोग रहे वो सारी एक स्ट्रगल है बट उसामा जैसे हमारी डिस्कशन आपस में भी चलती रहती है Uh, अगर आप के मैं करियर को देखूं माशाल्लाह एज एन एक्टर यू आल्सो हैव हैड टू स्ट्रगल अ लॉट और शायद अभी भी आप ये समझें कि आपकी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई hmm. अभी भी चली रही है उस बीच में यू नो व्हेन यूर स्लोली नाउ यू स्टार्टेड मेकिंग अ मार्क ऑन टेलीविजन आपको लीड मिलना शुरू हुआ है माशा बड़ा जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स आना शुरू है आपने एकदम ही डिसाइड कर लिया यार फिल्म कर लेता हूँ तो ये एक जो डिसीजन था फिल्म कर लेने का आ, अभी मतलब जैसे हम बात अभील दो नहीं करना, चाहिए, करना, चाहिए नहीं करना चाहिए। और क्या यही वो मूवी है जिससे मुझे डेब्यू करना है नहीं करना? मैंने अच्छा? पता नहीं कितने लोगों से मशवरा ले लिया अदरवाइज में मशवरे इतने नहीं लेता लोगों ने क्या कहा लोगों ने कहा आधे लोगों ने कहा नहीं करो आधे लोगों ने कहा कर लो 50 फिफ्टी कर 50 50 था फिर मैं दिल की आवाज सुनी मैंने कहा यार कर लेते हैं आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा आप सीखते हैं और अभी जो हम करियर की बात कर रहे हैं तो मैं अगर आज से मुझे पांच छह साल का करियर हो गया होगा तो अठारह से अठारह से अठारह <laughs> से कर ले तो आप ग्रेजुअली सीखते हैं आपको लगता है और बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से आप सीखते हैं आप लोगों से नोहा होती है आप कॉन्टेक्ट डेवलप करते हैं आपको पता है और फिर इवेंचुअली ऐसे होता है कि इन छह सालों में बहुत से लोग आए और फिर चले भी गए और अचानक से

कि आपने कहा यार कि यू नो आई वांट टू गिव इट अ शॉट मूवी देखने के बाद हर लड़की का एक ख्वाब होगा कि उसका एक पार्टनर होना चाहिए ओए होए होए ज़ैन जैसा ज़ैन जैसा ज़ैन जैसा इतना हां हां बिकॉज़ अगेन गोइंग बैक टू आवर ड्रामास वहां पे तो ऐसे पार्टनर्स हम बिल्कुल ऐसे ही नहीं देखते तो तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि यार ये शेडी हो रहा है थोड़ा सा हो सकता है नहीं ऐसा नहीं है आपको पता होगा और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है उसामा कि हम ऐसी बताएं जहाँ पे हमारी जो लड़किया हैं उनके जो ख्वाब हैं अगर उनको पूरा करने वो निकली हैं तो ऐसे भी लड़के हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं मैं पता है उमेर भाई डायरेक्टर जो हमारे उनसे डिस्कस करता उन्होंने एक अच्छा एक अच्छा उनका एक होमवर्क है उन्होंने अच्छा एक होमवर्क किया तो जब मैं उनसे डिस्कस करता था तो कहते थे कि जो लड़कियाँ उन्होंने इन सारी लड़कियों से जो एथलीट्स हैं उनसे एक इंटरव्यूज लिए हुए उनसे बातचीत की हुई है उनसे तो उन वो कैसे पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं आ, उनको क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी फैमिली की तरफ से क्या स्ट्रगल होती है एक मजे की बात है आपको आप ये, कि जब आप ये जब घर से निकलते हैं कुछ अचीव करने के लिए तो घर वाले उस वक्त सपोर्ट नहीं करते जब तक तो आप कर लेते हैं तो फैमिली में लड़कों को तो ये मुश्किल आती है लड़कियों को सबसे ज्यादा आती है क्योंकि हर बंदा हमारी सोसाइटी में लड़कियों को नहीं सब कुछ करने देता और एथलीट्स के लिए तो सबसे ज्यादा मसला है फाइनेंशियली भी है और अदरवाइज भी है बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे मुझे हमेशा ये ये लगा कि यार ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपको इसमें जाना चाहिए इंगेज होना चाहिए यू थिंक uh, हमारे मुल्क में फिल्मों में फिल्मों वो है ऑडियंस को लोगों का के ना थोड़ा सा ये जो ट्रस्ट कभी कबार आप ड्रामो में टीजर ऐसे देखते होंगे आप कहते होंगे और जब आप ड्रामा देखते होंगे, I mean, I I mean. so खुशी हुई है जिससे भी मिलता हूँ या तो वो मानते नहीं कि हम देखते हैं या वो असल में नहीं देखते बहुत से लोग तो मुझे देख के कहते हैं कि यार पहली दफा देख रहे हैं क्या तुम्हें तो है? हाँ मैं सोचता हूँ अच्छा चलो अच्छी बात है

आप कैसे नहीं नहीं पैसे खर्च करके ये नुकसान नहीं बिल्कुल करना। ऐसे। पैसे खर्च करके नुकसान नहीं है जो आपने टीजर देखे ना दैट इज इजेंट मतलब पक्की बात है ना देख लो ये ये ये, ये सारी बल्ली नहीं नहीं उसका रीजन क्या है आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी आपको इसमें क्या कहते हैं हसे हंसेंगे आप आप रोएंगे इसमें आपको इमोशंस मिलेंगे आपको आपको लगेगा कि ये हमारे घर की कहानी है मतलब देखिए मैं मैं मेरा मेरा बैकग्राउंड गुजरा वाला से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि जो सब कुछ जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो इसलिए अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उनको कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं होती बिल्कुल सही बात है हमारे वैसे भी एक कल्चर ऐसा बन गया कि हर बंदा कहता है कि यार रहने दो तो मैं अब नया आपका जब होता है कोई पूछता है कि क्या मैसेज हो तो मैं कहता यार आपकी जिंदगी जरूरी नहीं है कि वही हो जो दूसरे आपके बारे में बताते हैं वो भी हो सकती है जो आपने बारे में सोचते हैं तो नाया आप उसकी कहानी

चल जाएगा आप सबसे बड़ा मसला क्या है लोग जाके सिनेमा में देखे देखें मूवी लोग देखेंगे तब जब हम उनको बताएंगे यार अच्छी है फॉर एग्जाम्पल देखिए मौला जट तो स्टार कास्ट की वजह से चली गई और वो जब आप गए नहीं नहीं, नहीं हाँ। तो, जब वो गए सिनेमा में तो लोगों ने कहा वाकई हाँ। ही अच्छी चीज थी मैंने तीन दफा देखी है क्यों तीन दफा देखी एक दफा मैंने कराची अच्छी लोगों के साथ देखी उनको पंजाबी नहीं समझ आई फिर मैंने कहा नहीं मजा नहीं आया किसी ने होटिंग नहीं की <laughs> फिर मैंने लाहौर जाकर इस्लामाबाद जाके देखी हाँ। फिर मुझे लगा हाँ यार अब मजा आया हाँ। देखने का, तो जब लोग देखते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और फिर फीडबैक होता है तो फिर लोग देखने जाते हैं ट्रू आम फिल्म का जब मैंने भी ट्रेलर देखा तो मुझे um... उससे वो वाली एक वाइब आई कि यार कि दिस इज दिस इज समी विच कुच कैन बी बिग ऑब्वियसली hmm. फैसला तो ऑडियंस करेगी और वक्त करेगा क्योंकि ट्रेलर में आप नहीं सही तरह से अंदाजा लिख पाते <laughs> बट हमारे आ, केस में हमारी इंडस्ट्री के केस में एक ये भी कॉन्वर्सेशन होती है कि यार आ, फिल्म तो है लेकिन ड्रामे जैसी थी